अरे बाप रे बाप, अरे पंखा चालू कर रहे। अरे बाबा पंखा चालू है। अरे फिर मेरे को इतनी बेचैनी काहे की हो रही। पर बाबा तुमको ऐसे कैसे इतना लग गया? अरे क्या बताओ बेटा तेकू, अरे लोगों का तेकू मालूम है ना कैसा मामला है। केले खाते कभी झुलटे फेंक देते। पड़का मेरा पास झुलटे पे है। अरे तो मैं बोलता है इसी उम्र में बाहर निकालने का काय को, घर में बैठने होना ना। क्या नीचे देख के चलना। बाकी बाबा मेरे को तो ये ग्रेल मार नहीं दिखती, मेरे को तो ऐसा लग रहा कहीं से मार खा के आए ले तुम। ऐसा क्या कह रहे, मेरे से ज्यादा तजुर्बा है क्या देखू, मेरे से बड़ा है क्या तू? बाबा तजुर्बे में तुम मेरे से बड़े है माना मैं, मगर मार खाने के तजुर्बे में मैं तुमसे बड़ा है। मैंने बहुत मार खाए ले। अरे बाप पे क्या बीतरी वो नहीं देख रहा हो, बस सीआईडी बन के सवाल जवाब कर रहा मेरे से। ओह नो, तू चुप रे कल्लू। बाबा इतना दर्द से परेशान हो रहे और तू क्या पंचायत लगाया? मेरे को तो ऐसा लग रहा ना कोई लेडीज ने मारे ले। देखो कैसे मालूम औरत के हाथ से मार खाए ले? अरे लेडीज की मेकअप की महक आ रही। हाँ मालूम है तूने कितनी औरतों के मार खाए ले। वो राजू कहाँ गया रे राजू? अरे वो उसके दोस्त के साथ बिंदावती गया खाने, मेकू भी बोल रहा था मगर मेकू ना बहुत पहचानने लग गए लोग। अरे तुम्हारी सारी जिंदगी ऐसी बिंदावती खाने में चले जाएंगी रे। अरे कभी बहन की और बाप की फिक्र करेंगे दोनों ने हैं? कैसा बिंदावती खा के कैसा गोश्त चढ़ रहा तुम्हारे आंग पे। अरे कभी हमारे वास्ते कभी लाए क्या प्लास्टिक के थैली में जरा सी? अरे बाबा वो खा के अर्जेंट निकालना पड़ता, प्लास्टिक में लेने को वास्ते ना आखिर तक बैठना पड़ता। अरे बहुत चबरे पने में रह जाना तूने। अरे आप दरवाजा खोलता गए हालत में मैं जाके खोलू? जाना उठना कि पाँव में मेहंदी लगे ले तेरे। ये क्या बवाल आ गया यार, कहीं मेरे ही ना लोचे निकल जाए, देखता जाके। अरे तुम बाबा यहाँ डंडा रखा था कुत्ते मारने वाला, क्या हुआ? अरे बेटा क्या कर रहा तू? अरे तुमको मना कर रहा ना मेरे घर के करीब भी मत दिखना। अरे बेटा बात दूसरी है। दूसरी बात है? साफ साफ बताओ क्या बात है। मैं तेरे बाबा को देखने के वास्ते आया। इसमें नारियल पानी और बिस्कुट के पूड़े है ना, इसको बहुत बुरा बुरा मारे ना बाबा। मारे? कौन मारा मेरे बाबा को? तुम सही सही बोलो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा लफड़ा कर दूंगा मैं। चलो तो बताओ तो जरा, बैठो। क्या हो बाबा, मैंने बोला था ना एक हिरने की मार नहीं है, आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, देखी बाबा के तमाशे। बताओ तो क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। क्या हुआ बेटा, इसने मेरे को बोला कि अकेले अकेले जीव उचाट हो जा रहा। क्या हो बाबा, तुमको जरा भी शर्म नहीं आ रही? घर पे दिल उचाट हो जा रहा बोले। हाँ एक आध कही होंगी अच्छी बुरी तो बोले, देख के कर दे मेरा हाथ पीला। देख है अब अच्छे के वास्ते ले गया ना बेटा मैंने वहाँ पे, कि अंदर जाएगा ना तो जरा पूरी पूछेगी ना तो सवाल का जवाब अच्छे देना। अब क्या इसने उल्टा सीधा बोला, जो सिपाले होंगे अंदर तो ये हाल हो गया। अब इसमें मेरी क्या तोबा, क्या रे क्या झूठे बातें कर रहे है? अरे क्या बच्चों से मेरे को जूते खिलाएगा क्या तू? अरे बेटा एक नंबर का झुट्टा है वो, उसके कहा बात में आ रहे तुम? उसने मेरे को क्या बोला कि दादा एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता है बोले तेरी पोरी के वास्ते, नौकरी वाला पोरिया है, जरा अच्छे घर के लोग है, सूट बूट पहन के आना बोले तू। मेरे को सूट बूट पहना के ले गया पोरिया ने, इतना मार खिलाया मेरे को, अब क्या बोलना तेको। अरे हाँ क्या मत मार रे, वो तेरे दोनों पोरे पहले से मेरे ऊपर खड़े से चलते ना, मार खिलाएंगा क्या मेरे को? क्या मेरे बाबा को झुटला रहा? नहीं रे बेटा मेरी बात तो सुन। नहीं ना रे, मेरे बाबा को झुटला रहा? सुन रे बेटा। बेटा रुक, मेरे बाबा को झुटला रहे? क्या बात है, सही सही बताओ नहीं तो आज तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। अरे रुकना बेटा जरा मेरे को याद तो आन दे। अरे दे 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 दे। अरे याद आ गया। हटाना भाई, क्या बुरा हाल करे रे। अच्छा बताया रे तूने मेरे को, इन्हें मेरे को क्या कहा बेटा, कोई अच्छी पोरी होगी मेरे वास्ते तो बता दे। आप मेरी नजर में एक अच्छी पढ़ी लिखी थी बेटा, बड़े घर की थी, माल वाली,
मैंने सोचा कि इसकी लाइन बैठ जाएंगी तो अपना भी कुछ चालू हो जाएगा। मैं एक आज के मारे ले गया बेटा वहाँ पे। क्या हो बाबा, तुमको जरा भी शर्म नहीं आ रही? बेटा मैंने इसको बोला कि वो पोरी वाले तेरे से कुछ सवाल करेंगे, तू उसका जवाब दे दे। अब इसने उल्टा कर दिया ना रे बेटा, वो पोरी से पूछ लिया, बोले तेरे कितने घर खराब हुए, तो फिर देखना क्या हाल करे इसके। एक है बच्चों की शादी कराने हो ना तो खुद के लिए औरत ढूंढ रहे, एक है ऐसा गुल खिलाते फिर रहे बाबा। हाँ? क्या हो बाबा, तुमको कुछ लग रहा क्या? अब कान से सुन के भी झुटला रहे क्या? अरे तुम्हारे छाती पे बैठ के बोल रहा ना वो आदमी, बुड्ढे होते जा रहे ना औरत ढूंढ रहे, कुछ लग रहा क्या तुमको? ये दोनों को कहीं काला करो मेला पीला करो, फिर ढूंढते बैठना और था। अच्छा लग रहा क्या मार खा रहे ये उम्र में? Oh, no. अरे लोग सुनेंगे तो थुकेंगे ना। हा? ऐसे ही अपने घर को कोई अच्छा नहीं बोलता। मैं तुम्हारे हमदर्दी में सेक रही के तुम कहीं गिर पड़ के आए, लेकिन तुमने तो कुछ अलग ही गुल खिला कर आए। अरे चलो जूने पुराने बर्तन बना लो, अंडा बना लो, चलो जूने पुराने खिलिया बना लो, चक्कनों को पेंदा लगा लो। सला यार बोली भी नहीं हो रही, कितनी भयान गल्ली दिख रही। चलो आगे देखता जाके। जूने पुराने भंगार बनाने का है क्या? नहीं। बाल्टी बनाने का है क्या? नहीं रे। राम को पेंदा लगाने का है क्या? कुछ नहीं बनाने का। क्या आदमी दिख रहा है? क्या बाबा कुछ बनाने का है क्या? अंडा कलछी बादली उधर जा। अरे बहुत अच्छा बनाता मैं, कुछ भी 5 साल 3 साल तक की गारंटी रहेगी उसकी। कुछ बनाने का नहीं है। अरे ऐसा बनाओगे तुम मेरा नाम रोशन करेंगे। नहीं बनाने का भाई। अरे मजबूत बनाओ एकदम। बार बनाने का। अरे तुम मेरा नाम रोशन करेंगे। अरे जा रहे निकल तू अभी। अरे क्या जवान दिख रहा है ये मेरे को, उम्र छोटी बुढ़ापा मोटा। चलो जूने पुराने बर्तन बना लो, चलो जूने पुराने खिलिया बना लो, ए चलो जूने पुराने भगोने बना लो, हंडे बना लो, ए चलो जूने पुराने बर्तन बना लो। अरे ये तो मेरे बकरी की आवाज है। चलो जूने पुराने हंडे बना लो। अरे बकरी हंडे बना लो। अरे बकरी तू क्या छोटी, क्या हुआ फिर नए नौशामिया का? वो लड़का मेरे को देखने आया था ना, वो धीरोपंती कर रहा था। What? थोड़ी देर में ना उसकी हवा ही निकल गई। अरे रे रे। Oh, no. अबे साले बकरी, इतना चेनने के बाद भी तेरी आँख नहीं खुल रही। अबे बेटा आज तो तू गया मेरे हाथ से। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं जैसे ही उसको पानी का ग्लास आगे बढ़ाई तो मिर्गी आके गिर गया, जमीन पे लेट कर तंगड़ा रगड़ने लगा, तेरी चप्पल सुंघानी पड़ी। अबे बेटा आज तो तू गया। अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे। बाबा ये कुत्ते ऐसा हाव हाव क्यों कर रहा? गुच्छू बैठ रहे। अरे वो शोले पिक्चर की म्यूजिक मुंह से निकाल रहा क्यों? आ रहा आ रहा। गुच्छू बैठ गुच्छू बैठ। टंग 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 टंग। कालिया नाम है मेरा, कालिया। देख लिया ठाकुर साहब, सरदार से दुश्मनी का नतीजा, तुम्हारा पूरा खानदान साफ हो जाएगा। कोई कांधा देने वाला और तुम्हारे नाम पे लोभान जलाने वाला भी नहीं रहेगा। बाबा कल्लू को क्या हो गया, इतने अड़े चाले कर रहा था है? और वो सरदार भाई फल्ली वाले का क्यों बार बार नाम ले रहा है? अरे वो सरदार फल्ली वाले का नाम नहीं ले रहा, वो गब्बर सिंह को सरदार कह रहा और खुद को शोले पिक्चर का काला समझ रहा। ऐसा क्या? एकदम चुप पे खड़े रहना, जरा सी भी फूस फूस करे ना तो तुम्हारे तंगड़ा तोड़ डालूंगा। Oh, no. बाबा मेरे को तो लगता ना कल्लू को ऊपर का हो गया, एकाध फूक झाड़ वाले को बताओ ना तो अपना कम ज्यादा हो जाएगा। बाबा
ऊपर नीचे का नहीं हो रहे उसको, जब से वो ऊपर से नीचे गिरा ना तो डॉक्टर ने कहा उसकी आदत चली गई। बाबा झपट्टा मार के डंडा छीन लू क्या उसके हाथ से? बुच्चू बैठ रे, तू का सोले का अमिताभ बच्चन बन रहा। अरे डंडा है ना उसके हाथ में, अपने को सुधा लेगा ना वो। बेटा कल्लू, अरे बाजू वाले पोरे की बंदूक दे दे रे बा। नहीं दूंगा। क्या रे कल्लू, ये क्या तमाशा लगाया? आ गई बसंती, तू भी आ गई। क्या बे, इधर आ। शर्म आ रही तेरे को? बहन को बसंती बोल रहा, सब बेच के खा गया क्या? आ गई कलम वाली भाई, मेरी मौत का तमाशा देख ले। अरे मुझे कॉलेज आ रहे, अरे मेरे बाप रे। वेलकम वेलकम इब्या दादा, डिब्रिया दादा के अड्डे पे तेरा स्वागत है। वेलकम डिब्रिया दादा, लोगों का हराम का खा खा के डिब्री बड़ी कर लिया। मैंने आज तक तेरे पटे में पैर नहीं डाला, मगर मेरे को बच्चों के लिए टांगा टोली करके क्यों लाए? वो जो तेरा भाई है ना, मैं बकरी, मुझे कल्लू और राजू ने उसकी सुपारी दी है, अगर वो छोटे के आस पास भी फटका मेरे हाथ से जुबा हो जाएगा। भोगने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, मेरे भाई को अगर खरोच भी आई तो तेरा डेबरा फट डालूंगा। ले अब मेरी डेबरी का कमाल देख। हाँ डेबरे, हाँ तेरे पेट में सुआ घोस कर तेरे पेट की हवा निकाल लूंगा। कहाँ चल गया ये? ए किधर गया ये? बाबा इसको एकाध अच्छे दवा खाने में बताओ, इसकी याददाश्त आते आते अपने में से एकाध काम हो जाएगा। अरे मैं तो बोलता ना तू भी उसके साथ लग जा, तुम दोनों मिलकर ये काम करो, कम से कम अपनी कड़की दूर हो जाएगी। ये देखो इन्होंने तो ये उम्र में भी सब बेच के खा गए, कैसे कौला बन के नाच रहे। सब्सक्राइब तो बहुत ज्यादा, तो प्लीज हमारे चैनल खानदेशी मस्ती को सब्सक्राइब जरूर करो।